जब देखो तब सरकार टैक्स पर टैक्स लादते रहती है आम आदमी पे, और टैक्स दो और मर जाओ, फलाना टैक्स दो और मर जाओ, चिलाना टैक्स दो और मर जाओ। और सिचुएशन ये है, ये गड्ढा देख लीजिए, ये आपके सामने है रोड पर गड्ढा, और ये मोदी जी पूरा भारत के टोल गेट को बेच दिए हैं लबाका बड़का टैक्स उठाने के लिए। और ये जो रास्ता आप देख लीजिए, देखिए वो स्कॉर्पियो का हाल देखिए किस तरह इससे चलते हुए जो स्कॉर्पियो टेढ़ा हो गया है, और तो बड़ा दुर्घटना घटने से बचा है। आज हमारा जान जाने को था, पिछले बार भी कई बार यहाँ पे नोटिस किया गया है, उनको बताया गया है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है, इसको मरम्मत करने को, बस इनको टैक्स चाहिए। या पूर्वी चंपारण का कोई अब टैक्स नहीं देगा जब तक ये रोड का निर्माण नहीं होता है। पिपराकोटी में रोड धसा है, ये टोल गेट, वहां से टोल गेट देख लीजिए, यहाँ पे दिखाइए टोल गेट, यहाँ पे 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन यह रोड का निर्माण नहीं हो रहा है। 500 मीटर की दूरी पर लेकिन रोड निर्माण नहीं हो रहा है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये देखिए, आइए इधर आइए, इधर आइए, ये देखिए, यहाँ पे महीना में कम से कम 5 से 10 एक्सीडेंट होता है, कई लोगों की जान जाती है और मर जाता है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? वो क्या वो टैक्स नहीं देता है? वो 100 रुपए का टैक्स देके आता है, यहाँ पे दुर्घटना घटता है, मर जाता है। वो 100 रुपए का टैक्स देके आता है, यहाँ पे गाड़ी रगड़ा जाता है, उसका 10,000 का खर्चा हो जाता है। वो टैक्स देके आता है और गाड़ी एक्सीडेंट करने से बचता है। देख लीजिए, ये सिचुएशन सामने है, क्या इसी रोड के लिए टैक्स दिया जाएगा? ये रोड दिखाइए, ये रोड, इसी रोड के लिए टैक्स दिया जाएगा? ये मैं पूछना चाहता हूँ, मैं टोल गेट वाले से पूछना चाहता हूँ कि टैक्स किस चीज का मैं आप लेते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। ये किस तरह गाड़ी किस तरह भी दुर्घटना होने से बची है, ये सिचुएशन है पूरा, गाड़ी दुर्घटना होने से बची है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर कोई होता तो दुर्घटना होता कि नहीं होता? उधर से आने में टैक्स दिया जाता है, इधर से जाने में टैक्स दिया जाता है, क्या मरने के लिए टैक्स दिया जाता है? मैं आप सभी बिहार वासियों से पूछना चाहता हूँ, पूर्वी चंपारण से पूछना चाहता हूँ, सभी जनता से, इसी के लिए आप हम लोगों से टैक्स लिया जाता है? ये 1 फीट से भी ज्यादा गाढ़ा है, 1 फीट से भी ज्यादा गाढ़ा है, और 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पे टोल गेट है, 500 मीटर की दूरी पे। मैं पूछना चाहता हूँ, ये 500 मीटर की दूरी पर टोल गेट है, फिर भी गाड़ी का सिचुएशन देख लीजिए किस तरह हुआ है। ये सबसे पहले ये टोल गेट के मैनेजर से भी मैं चल रहा हूँ बात करने, और इसको जवाब देना होगा, और ये जवाब नहीं देगा तो पूर्वी चंपारण का कोई भी अस्थायी निवासी टोल टैक्स नहीं देगा, तो नहीं देगा। अगर 15 दिन के अंदर में अगर मरम्मती नहीं होगा तो पूर्वी चंपारण का कोई भी क्षेत्रवासी यहाँ चकिया वाले टोल गेट पर टैक्स नहीं देगा, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह सिचुएशन है, देख लीजिए गाड़ी, अगर ये दुर्घटना होता तो ये टोल गेट का मैनेजर हमारे जान बचाता, हमारे परिवार को देखता, कितना लोग का यहाँ दुर्घटना होता है, बाइक वाला गिरता है कि नहीं गिरता है जी, या एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता है, क्या ये सही है? टैक्स छोड़ा जाता है आपको? नहीं ना छोड़ा जाता है, टैक्स लिया जाता तो फिर इसकी मरम्मती क्यों नहीं की जाती है, मैं पूछना चाहता हूँ। वहाँ पे जाइए, 100 रुपया के बदले 90 रुपया होगा तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा, इतना नौटंकी चलता है वहाँ पे। और ये सिचुएशन देख लीजिए आपके सामने, अगर ये लड़ा है दुर्घटना, उधर पे डैमेज भी हुआ है, मैं पूछना चाहता हूँ इसका हिसाब भी देगा? मैं अभी चल रहा हूँ पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट रुकिए, काटिएगा मत। महीना में 4 एक्सीडेंट होता है महाराज, आप बोल लीजिए फिर, महीना में 4 एक्सीडेंट होता है कि नहीं? महीने में 4 एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता है? आप बोल लीजिए फिर, मेरा बात सुन लीजिएगा। बात तो सुनेंगे, आपसे पूछने ही आए हैं, वहाँ पे आप चुप रहिए, बोले दीजिए। वहाँ पे पिछले 7-8 महीनों में लगभग 15 से 20 एक्सीडेंट हुआ है, टायर का चक्का फटा है, एक बार जय माता दी बस का भी टायर का चक्का फट गया, तो वहाँ पे लगभग 60 से 70% यहाँ पे काम बंद करनी पड़ गया। यहाँ देखिए, सुन नहीं, सुनिए मत, देखिए हमको, हम आपको देखना, नहीं देखना पड़ेगा, नहीं करेंगे नहीं, तो वहाँ पे नहीं कॉल आपको बंद करना पड़ेगा लोकल लोगों का। यहाँ पे आपको जब आप मेरा बात सुनिए, लोकल लोगों का नहीं, हम आपके खिलाफ लीगल कंप्लेन भी करेंगे, और ऐसा नहीं है कि लीगल कंप्लेन करके चुप चुप हो जाएंगे। यहाँ पे हमको, यहाँ पे 2,000 लोग पहुंचेगा आपके गेट पर, पहले बोल देना हमें, जितने लोग पहुंचे सबके पास हम अपनी बात तो रखेंगे। बिल्कुल, मेरे पास वहाँ का मेंटेनेंस कब होगा, वहाँ का मेंटेनेंस कब होगा हमको बताइए, रहिएगा वो मेंटेनेंस कब होगा हमको बता दीजिए। यहाँ का मैं विधायक प्रत्याशी हूँ, मेरा भी किसी का जान जाता है, मेरे क्षेत्र का किसी का जान जाता है, ट्रक ड्राइवर भी आएगा ना, हम उससे वही किसी का टोल छोड़ देते हैं आप, टोल कैसे छोड़ देते हैं? यहाँ पे 100 रुपए देगा और वहाँ पे जाके एक्सीडेंट, अभी अभी मैं आपको अभी आपको जिस तरह स्कॉर्पियो में एक दुर्घटना होने से बचा है, आप या तो मेरी बात क्या सुनने के मूड में है, आप मेरी बात सुनने के मूड में, बताइए क्या उसमें क्या उपाय है आपको, हमको बताइए।
हर चीज का है ना टोल जो मिलता है ना टोल मिलता है कहीं मालूम कर लीजिए आप विधायक प्रतिनिधि हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं मालूम कर सकता है ठीक है आप आरटीआई डाल के भी मालूम कर सकते हैं हम तो उसका मतलब उसका रिपेयर आप कब करवा रहे हैं हमको बस इतना बताइए एक सौ में नहीं पूरी बात नहीं सुनेगा हमको बताइए उसका रिपेयर कब हो रहा है आज हमारा जान जाने से बचा है वहाँ पे मेरा मैं आपको ये वीडियो करता तो मैं आपको दिखा रहा हूँ वहाँ उसका मरम्मत कब होगा हमको बस इतना बताइए मरम्मत हम बताऊंगा उस टीम से पूछ के इसका हर टीम का अलग अलग मैं यहाँ पे हूँ ना स्कूल वीडियो के सामने बोल रहा हूँ वीडियो के छुपा के चोरी लुका नहीं बोल रहा हूँ वीडियो के सामने मैं अनिकेत रंजन आपको बता रहा हूँ 15 दिनों के अंदर अगर आप उसका रिपेयर नहीं कराइएगा तो निश्चित रूप से मैं आपको यहाँ सामने सबके सामने मैं बोल रहा हूँ आपका पूर्वी चंपारण का कोई भी स्थायी निवासी आप टोल टैक्स नहीं देगा इस जिले का लोग टोल टैक्स नहीं देगा जब तक आप मरम्मत नहीं करते हैं आप अपने ऊपर के प्रतिनिधि को चाहे जिसको भी बोलना है बोलिए और बता नाम भी नोट कर लीजिए लिख लीजिए और बता दीजिए कि अनिकेत यहाँ पे आइए तो ये चीज मैटर नोट कर लीजिए और बता दीजिए 15 दिन के अंदर में वहाँ पे उसका रिपेयर होना चाहिए और रिपेयर नहीं होगा तो कोई भी पूर्वी चंपारण का लोग टैक्स नहीं देगा इतना यहाँ पे ठोक के यहाँ पे आपको बता के जाके इसको रिक्वेस्ट समझिए बस।